स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके साइंस बुक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम लोग आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ वैसे क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि आपके इन टेक्स्ट में दिए हुए हैं, और वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बताऊँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है, सारे 16 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीएवी क्लास से स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग इस प्लेलिस्ट पे जाकर के इजीली सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, एंड हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए। ओके, आज हम लोग साइंस के सारे चैप्टर्स का देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सेल चैप्टर का टिक द करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आ जाए। ओके, तीनों क्वेश्चन को आप लोग MCQ की तरफ से जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड बेसिक क्वेश्चन है ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दो एग्जांपल्स भी देने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड जितने भी गिव रीजंस वाले क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिना बताए हुए भी जरूर जरूर करके जाइएगा। यदि कहीं छूट भी जाए तो आप लोग ऐसे गिव रीजंस वाले क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके जाइएगा। कुछ स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसे आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है या फिर उसके पीछे का रीजन देना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके यहाँ पूछा गया कि प्लांट सेल ज़्यादा रिजिड होते हैं एनिमल सेल से, आप सभी को पता है कि इसका रीजन क्या होता है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो एनिमल्स के सेल्स से ज़्यादा रिजिड होते हैं, ऐसा क्यों होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो सबसे पहले कमेंट करेगा, जिसका आंसर सही होगा, उसके आंसर को पिन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, व्हाई इज इट सो कॉल्ड, ऐसा क्यों कहा जाता है और किस ऑर्गेनेल को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सभी को पता है। ओके, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ऐसे करके लिख दीजिएगा क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, आप लोग बताइएगा स्टूडेंट्स कमेंट करके। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने रेड पेन से भी मार्क करके रखा है पिछले वाले स्टूडेंट्स के बैच के लिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है, इसलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ही मार्क कर लीजिए। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है, बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, एंड आपके भी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, यदि आपने इन क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, एंड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएवी बोर्ड हर बार क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करवा देता है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो है आपको दिए जा सकते हैं, आप लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसे जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में VVI लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग मार्क कर लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, वेल लेवल डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को 3 डिफरेंसेस बताने हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में 2-2 बार आ चुका है। ओके, देखिए ये वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा गया है, एंड उसके साथ साथ इस वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया था डीवी बोर्ड के द्वारा। तो मैंने आपको बताया डीवी बोर्ड अक्सर क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए, तो क्या होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया
आपके एग्जामिनेशन में। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर करके जाइएगा, मैं आपको प्रूफ भी देता जाऊंगा एंड बताता जाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग करते जाइएगा। अब गाइज देखिए, यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है। ओके, फंक्शन लिखना है। अब गाइज देखिए, इसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये सारे फंक्शन आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन बताना था माइटोकॉन्ड्रिया का और राइबोसोम का। ओके, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, राइबोसोम आपको कहाँ से पूछा गया, चैप्टर के अंदर से। तो मान लीजिए जब राइबोसोम करके नहीं भी जाएंगे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया करके गए होंगे, आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक नंबर आराम से मिल जाएगा। ओके, तो आप लोगों के लिए सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फंक्शन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग इन सारे फंक्शन को, सारे सेल्स ऑर्गन के फंक्शन को जरूर जरूर करके जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। ओके, किस प्रकार से वो सेल के फंक्शंस को डैमेज, जब वो डैमेज हो जाता है तो किस प्रकार से सेल का फंक्शंस जो है वो इंपैक्ट पड़ता है उस पर, या फिर सेल का फंक्शन अल्टर हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ भी सकता है नहीं भी, इसलिए मैं टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैं वैसे ही क्वेश्चन को टिक करवाऊंगा जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, सेल को आप लोगों को डिफाइन करना है, ऑर्गनल्स बताने हैं जो कि सेल बनाते हैं, एंड आप लोगों को ये भी बताना है कि क्यों इन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लाइफ का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ अंदर से, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन में अंदर से पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइबोसोम वाला जो पार्ट था वो आपको पूछा गया था कहाँ से, चैप्टर के अंदर से। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से समझें या फिर पढ़ें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कब हुआ था, ओके, किसने किया था, ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उसके साथ साथ यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये सब डेफिनेशंस दे दिए जाएं, जैसे कि न्यूकोप्लाज्म हो गया, क्रोमैटिन हो गया, ये सब क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं। उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ओके, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब प्लास्टिक वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, ओके, तो प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है प्लास्टिक, ये सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एंड बेसिक मैंने आपको बताए सारे फंक्शंस आपको कर लेने सारे ऑर्गनल्स के, और ये जो डिफरेंस वाला पार्ट है ये तो आप लोग बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यही क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें यही पूरा का पूरा यही आंसर जाएगा, ओके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये पूरा आंसर इस क्वेश्चन का है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जामिनेशन में, आगे भी आ सकते हैं। मैंने बहुत देर तक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जो मैं बात करूं या फिर सारे चैप्टर्स का ओवरऑल बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ सब में बेसिक आपको करना क्या है कि जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग दिए गए हों, टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हों, ये सारे को आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को जरूर जरूर कर लीजिएगा। और ओवरऑल आप लोग कम से कम MCQs, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब सारा करके एग्जामिनेशन में जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है D का 1, तो D का 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। D का 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, D का 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब ये सब जो क्वेश्चन होते हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है डिजीज़, ये सब आपको टेबल में पता चला होगा, आपको बहुत सारे बुक में टेबल्स दिए गए हैं, ओके, आपको बुक में बहुत सारे टेबल्स दिए गए, मैंने देखा है आपके बुक में बहुत सारे टेबल्स हैं, ये सब सारे टेबल्स आप लोग करके जाइएगा स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, इन टेबल से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक हो जाएंगे, जिसमें आपको ये चेक किया जाएगा कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, इसलिए आप लोग सारे टेबल्स को कर लीजिएगा। जब आप टेबल्स को कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। अब यहाँ पे रीजन देना है, आपको ऐसा रीजन भी आ सकता है कि कर जो है वो समर में जल्दी बन जाता है और वहीं विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन के भी में आ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। E का 1 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज़ बताना है कि किस प्रकार से उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ
क्वेश्चन टू में रीजन्स वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि सारे रीजन्स को करेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस किसके किसके हैं, तो ए बी और सी, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और यहाँ पे ई, ओके, डी हो सकता नहीं भी आए बट आ भी जाए, ओके। मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलूंगा कि कौन सा नहीं आएगा और कौन सा आएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि किसके आने के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करके जाएंगे तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में उस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बोला गया है, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके साथ साथ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बट मैं इन टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं टिक करवा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपको आपके टेबल में देखने को मिला होगा, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं। ओके, ये भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है जिसमें 5 अलग अलग केसेस दिए गए हैं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा बीमारी हो सकता है ऐसे केस में। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो चैप्टर के अंदर से बेसिकली आपको फूड प्रिजर्वेशन आ सकता है कि किस प्रकार से आप लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे आप फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, उसके बाद ये आ सकता है कि फूड पॉइजनिंग किस प्रकार से होता है। ओके, जो फूड प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक था उसमें आपको कोई 5 आप लोग यदि याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और ये सब सारे टेबल्स तो आप लोग बिल्कुल करें स्टूडेंट्स, टेबल्स आप लोग जरूर जरूर करके जाएं, टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी टेबल्स दिए गए हैं ये सारे टेबल्स आप लोग कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए ये सब जो कम्युनिकेबल डिजीज ये सब था, ये सब तो आपके बुक के क्वेश्चंस में भी दिया गया है, तो ये सब तो आपको करके जाना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है जिसमें आपको ये बताना था कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन तीनों प्रोसेस से रिलेटेड होता है, कर फॉर्मेशन से कौन सा होता है, फर्मेंटेशन इन बेकरी में कौन सा होता है, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन में कौन सा होता है। ओके, तो आप लोग सभी जानते हैं कर फॉर्मेशन में कौन होता है, कर फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस होते हैं, ओके, और फर्मेंटेशन इन बेकरी में यीस्ट होते हैं, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो आप लोग जानते हैं इनका आंसर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये वैक्सीनेशन वाला क्वेश्चन आ गया है कि कैसे कोई वैक्सीन जो है किसी डिजीज़ के खिलाफ हम लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, कैसे हम लोग उस बीमारी से लड़ सकते हैं वैक्सीनेशन की हेल्प से, तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन का आप लोग जरूर जरूर करके जाइएगा स्टूडेंट्स, को भी क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज से अपने बुक के अंदर से मिस मत कीजिएगा। मैंने आपको अपने मेंबरशिप में बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मेंबरशिप का प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा है, यदि आप चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि नोट्स हो गया, हर एक मटेरियल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ मैं आपको कभी कभी लाइव इंटरेक्ट भी करूँगा, कभी आपसे आपसे पर्सनली लाइव बात भी करूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने पे मिलेंगी। ओके, तो आप लोग मेंबरशिप यदि पॉसिबल हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा मेंबरशिप ज्वाइन करने से। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर्स की, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है स्टूडेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसके भी क्वेश्चन जो है वो थोड़े हार्ड या फिर लोग बोल सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन दिए जाते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जर्मन सिल्वर कैसे बनता है, उसका प्रोसेस या फिर कौन किस किस चीज़ को मिलाया जाता है, वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो 1 एंड 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ओवरऑल आपको सारा करना मैं आपको पहले ही बताया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 5 ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर के इस एमसीक्यू वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए ब्रीफली आपको आंसर करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यदि हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो 1 का बी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक वाले क्वेश्चन है, तो आपके एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर की, तो फोर्स एंड प्रेशर, ये चैप्टर अपने में एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप लोगों ने मेरे से इस चैप्टर को पढ़ा होगा, मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा होगा, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एमसीक्यूज की, क्योंकि ये दोनों ये तीनों आप करना तो आपको सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या फिर जिनके आने के चांसेस हाई है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का वन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ सकता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओके, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्वेश्चन वन का बी सी डी, ओके, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को जरूर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर ग्रेविटेशन के कारण, आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, ये वाला जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे होता है, ओके, तो आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, इस चैप्टर से, उसके साथ साथ गिव रीजन वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे, मैंने आपको पहले बताया, इफेक्ट ऑफ फोर्थ आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, एंड उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ओके, तो चैप्टर नंबर फोर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है या क्या होता है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर जरूर कर लीजिएगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये आप लोग जरूर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रेशर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इन सारे क्वेश्चन को इंटेक्स से आप लोग कर लीजिएगा। टाइप ऑफ फोर्सेस में जितने भी टाइप दिए गए हैं उनके उन सारे के डेफिनेशन आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, एंड हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएँ। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो है फ्रिक्शन चैप्टर, एंड इस वीडियो के लिए ये लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि हम लोग आगे के वीडियोज में भी ऐसे ही सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग यदि चाहें तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फाइव तक ही देखने वाले हैं, ओके, लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर फाइव, तो आपके आपका जो चैप्टर का नाम है वो फ्रिक्शन है, एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि कई कई फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टू एंड थर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ की, तो आपको डेफिनेशंस आ सकते हैं, सारे दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों में डिफाइन ही करना है, बाद में मीनिंग दे दिया गया है, डिफाइन दे दिया गया है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है। यदि लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करना है, और फैक्टर्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं ये आपको डिफाइन करना बताना है, क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पे रीजन वाले सारे क्वेश्चंस तो मैंने पहले भी कहा आपको करना होगा, एंड यहाँ पे रीजन ये भी एक रीजन वाले ही क्वेश्चन है, जब इसे यहाँ पे उठा के डाल दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ओके, बट अलग एक सेपरेट क्वेश्चन दिया गया तो मैं उसे भी ठीक करवा दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ये सारे करने के, क्योंकि सारे रीजन के अंदर आते हैं, एंड कोई भी रीजन ऐसा नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर कम इंपॉर्टेंट है, रीजन कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका था, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन, हम लोग किस प्रकार से फ्रिक्शन को सर्टेन सिचुएशन में बोल सकते हैं कि हाँ फ्रिक्शन अच्छा है, ओके, कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं फ्रिक्शन ख़राब है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर के अंदर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग नेक्स्ट सबसे पहले तो हम लोग बात करें इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सारे डेफिनेशन याद करने कर लेने हैं कि कौन कौन सा डेफिनेशन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा होता है, क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का क्या होता है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। कॉज फ्रिक्शन, बेसिकली यहाँ पे कॉज ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, फ्रिक्शन ही क्यों होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहाँ पे स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, और ये वाला जो दिया गया है ना ये आपको जरूर करके जाना है, ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसिटी कैसे है, मतलब फ्रिक्शन की ज़रूरत कहाँ पर है, क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, या फिर ये भी आ सकता है कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ओके, तो इन सारे क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्रिक्शन क्यों ख़राब है, क्यों फ्रिक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन कभी भी अच्छा रोल प्ले नहीं करता है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। फ्रिक्शन को किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता है, किस प्रकार से फ्रिक्शन को डिक्रीज
किया जा सकता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है और स्ट्रीमलाइन शेप एंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो स्ट्रीमलाइन वाले जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं, वो आपको सारे कर लेने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, आगे के चैप्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग आगे के सारे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग स्पेशल पेज पर जरूर जरूर विजिट कीजिएगा, जितना पॉसिबल हो सके आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।